इस ये गाड़ी में बैटरी का साइन क्यों आ रहा है? अब तो वो ऊपर ही रह गया बेचारा। और नहीं नहीं इसे कुदले आजा बम्पर खुल जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पीछे शोर बहुत ज्यादा है भाई साहब। आज है संडे और संडे को आपको पता है मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हमने जाना है आज ऑफ रोड पे। आज के ऑफ रोड का क्या सीन है, यहाँ शोर से बाहर निकलते हैं और फिर बताते हैं आपको। फिलहाल क्या है कि रास्ता जो हमारा है वो खुदा हुआ है, तो गाड़ी हमें लेके जानी है। निकलेगी अभी नहीं निकलेगी, आगे भी यहाँ कुछ किया हुआ है, टाइलें वाइलें रख के, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या किया, देखना पड़ेगा। बिकॉज थार तो अपने को निकालनी है ना, ये गाड़ी भी निकलेगी एंड वो आई थिंक आकाश की गाड़ी है सबसे आगे, तो चलो निकालते हैं थार भी। आज मेरे को लगता है कोई चार पांच दिन, पता नहीं कितने दिन से गली बन रही है, तो चार पांच दिन तो हो ही गए हैं और ये सारी गाड़ियां भी इधर इधर ही खड़ी थी। आज क्या है कि हमारे पास रिकवरी की गाड़ी नहीं है, अंतरिक्ष भी हैं जो हैं वो दुबई गए हुए हैं। अगर ऑफ रोड हम जाते हैं, वैसे तो जिमनी ही लेना मैं प्रेफर करता हूँ, बट अगर हमें रिकवरी की जरूरत पड़ेगी तो ये भी लेनी है, जिमनी भी लेनी है, समझ रहे हो आप। दो मिनट तो इसको भी स्टार्ट रखना ही पड़ेगा। अभी यहाँ से गाड़ी लेके जाने में हमें होगी सबसे ज्यादा दिक्कत, क्योंकि आगे कहीं कहीं ना मिट्टी का वो भी है ढेर सा, तो वो भी दिक्कत करेगा। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसे होता है। लो में डाल देता हूँ ताकि गाड़ी पे तब जाके दिक्कत ना आए कहीं। थोड़ी सी साइड हो रहा, अब सीधी कर दो। अगर उसका टायर चला भी जाता ना तो दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि ये जो पाइप है ना ये टूट जाएगी, इस वजह से हमें जो है गाड़ी ऐसे साइड साइड पे लानी पड़ रही है। तो अभी ये इको साइड करेंगे और सब लोग जो है वो बाहर ही वेट करें। आराम से ही आ गई है ना, यहाँ तो 4x2 गाड़ी भी जा रहा, तो रास्ता बन गया ना। बस ये कि जैसे यहाँ पे मिट्टी का थोड़ा टीला आएगा ये दिक्कत करेगा, बट इको हट जाएगी तो वो भी दिक्कत करेगा। तो ऑफ रोड का ना ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट क्या है कि संडे रहता है तो संडे को कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, तो इसलिए मैंने प्लान किया। जिन जिन लोगों की मुझे कॉल आई तो उन सबको मैंने बोला कि चलो सारे एक साथ मिलके चलते हैं कहीं। फिलहाल के लिए 5 से 6 गाड़ियां होंगी शायद 6-7, तो अपनी जिमनी और थार मैं दोनों लेके जाऊंगा, बिकॉज ये रिकवरी के लिए और जिमनी आपको पता है कॉन्टेंट के लिए। लोकेशन जो है वो भी हम नहीं रखेंगे, और उसके बाद क्या है कि अभी यहाँ मैं कमला पैलेस के बाहर वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को ऋषभ भाई मिलेंगे, बाकी मैंने नीरज भाई को बाहर बुलाया, साहिल भैया आ रहे हैं और आगे से जो भी है सारे मिलते हैं। चलिए यही कुछ सीन्स हैं आज के, तो लेट्स गो। होप आज की वीडियो में आपको मजा आएगा। तो आज वैसे सारा काम जो है हम टाइम पे भी कर रहे हैं। चलो तो गाइस चलो चलो चलो, ऋषभ भाई जो है वो आ चुके हैं। चलिए अभी यहाँ से जाएंगे सीधा रोहन भाई के पास। ठीक है, तो हो चुकी है अभी की, देखते हैं क्या सीन्स रहने वाले। ये ऋषभ भाई ने क्या है मुंह पे लगाई है सनस्क्रीन। अर्जुन भाई क्या लगाया उन्होंने मुंह पे, पता नहीं है कैसा लग रहा है देखने में। तो गाइस ऋषभ भाई कह रहे हैं कि मैं काला हो जाता हूँ इसलिए सनस्क्रीन। देखो रोहन भाई ने नहीं लगाई है रोहन भाई सानू ये पक्के रंग ना, हम नहीं लगाते। तो गाइस अभी क्या है कि वेट कर रहे हैं, पहले हमने सोचा आगे जाके वेट करते हैं, फिर सब लोगों को अब यहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर यहीं से करते हैं। तो ये हमारी तीसरी गाड़ी, तीसरी नहीं है चौथी है, चौथी है। ये वॉशिंग कराने आए हैं, वॉशिंग कराने आए हैं, ऑफ रोड पे जाने आए हैं, कोई समझ चाहिए। एंड का देखो ड्रेसअप दिखो ना, इनको पता नहीं है ऑफ रोड पे जाना जल्दी आना होता है। आपको पता नहीं है ऑफ रोड पे जाना हो तो जल्दी आना होता है। जी जी जी। और मानिक भाई, मानिक भाई को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि मानिक भाई ने कभी कभार आना होता है। तुम्हारा क्या सिस्टम है? तो चलिए चार गाड़ियां आ चुकी हैं, अब यहाँ से निकलेंगे आगे। ठीक है गाइस निकल चुके हैं यहाँ से, अब आगे तो तीन गाड़ियां जो हैं वो आगे और वेट कर रही हैं। तो सबसे आगे हमने जिमनी को रखा है। ये रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है जिमनी के लिए, तो ठीक है जैसे थार के साथ मुझे नहीं, और मोहित क्या है अभी ऋषभ भाई के साथ बैठ गया, पीछे पड़ गया, कह रहे हैं मोहित मेरे साथ ही बैठेगा। तो चलो निकलते हैं आगे। इस गाड़ी में बैटरी का साइन क्यों आ रहा है, ये एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जो विंच है वो भी डायरेक्ट बैटरी से पावर लेती है, तो ये ना कि हम विंच यूज करें। मे भी हो सकता है गाड़ी मेरी कम चल रही है ना काफी दिनों से, और विंच इसी से पावर लेती है और इसलिए जल्दी जो है ड्रेन हो रही है। चलो कोई नहीं, आज चलाएंगे, इसे स्टार्ट ही रखना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते, और ऑटोमेटिक गाड़ी है ना इसे धक्का स्टार्ट भी नहीं कर सकते। देखते हैं क्या सीन्स बनते हैं। गाइस आ चुके हैं, कितने गाइस हैं? 5 गाइस हैं टोटल। ठीक ठीक है, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या हाल चल रहा है? ठीक हो अभी? बढ़िया बढ़िया, आ जाओ फिर। हमारे साथ आ चुका है साइको। साइको क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भैया, मंदिर गया बस वो। हाँ जी, सही बात है, भगवान का नाम लेना काफी जरूरी रहता है। तो चलिए हमारे सारे लोग आगे चले गए हैं, अब रह गई हमारी दो गाड़ियां, ऋषभ भाई की गाड़ी एंड साहिल भाई की फॉर्च्यूनर। साहिल भैया भी आ चुके हैं, तो चलिए यहाँ गाड़ी लगा लेते हैं आगे। क्या हाल चाल है? ठीक हो? रेडियो सारे सुबह निकाल देते हो घर से बाहर? अच्छा कोई नहीं, खा लो। यहाँ पे रुकने के लिए बोला था इनको, ये तो आगे भाग गए, रेस कर रहे हैं क्या सारे? अपने अपने वो शो में जा रहे हैं, तो ये तो देख भी नहीं रहे। नहीं नहीं, ये तो देख ही रहे थे। चलो लड़कों को क्या है एक बारी थोड़ी सी ना ब्रीफिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ये अपने अपने पेस पे ही चले जा रहे हैं। अच्छा उनको पेट्रोल डलवाना होगा डीजल, वैसे मेरी इसमें रेंज दिखा तो रहा है, जरूरत तो है नहीं, 100 किलोमीटर तो चलेगी। फाइनली ऋषभ भाई भी आ चुके हैं। हाँ जी, चले ठीक हो? आज का ट्रैक हमें यही बताने वाले हैं आप। ठीक हो जी?
पाँच महीने पहले किया है वो, ठीक है, आज क्या कंडीशन रहती है सर, फिर आगे लीड कर लो आप गाड़ी, ठीक है, हाँ आ जाइए, ठीक है ठीक है। अब ये जो है आज नया रास्ता है, कोई ऋषभ भाई हमें लेके जा रहे हैं, तो जिप्सी वाले तो ये इसको कहते हैं, ऊपर कोई नारदनी चौक है शायद जगह का नाम, तो वहाँ से ही जा रहे हैं, बाकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आप देख सकते हो एकदम। तो चलिए फटाफट से, और बाकी अमित आ चुका है जी, ठीक हो, ठीक है थार की सवारी बढ़िया, चलो लोकेशन पे जाते तो जा रहे हैं, बट आई डोंट नो क्या होने वाला है आगे, पर अच्छा है, मतलब मजा आता है जैसे आप कोई नई जगह जाते हो ना। देखो ये जगह आपने भी कभी मेरे चैनल पे नहीं देखी है, छोटू थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, कह रहा कहाँ जा रहे, क्या हो रहा है इधर। तो आज की लोकेशन जो है वो कुछ ऐसी है कि ये बेसिकली क्या है, आई थिंक अच्छा मार्च 2021 में हम इस लोकेशन पे आए थे, और मुझे याद है सिर्फ आप, हाँ मतलब मैं अपने आप को भी हम ही बोलता हूँ, बट ये क्या है कि IIT के पास से भी ये रास्ता निकलता है, चलो देखते हैं, अभी ये आगे जाके ना कहीं बंद हो जाएगा रास्ता, और हम वहाँ क्या है कि अच्छे अच्छे ऑब्स्टेकल कर पाएंगे, ये उड़ेगा कीचड़, ये तो ऑन फॉर्म ही जाते हैं यार। चलो जी, ये देखो हमारे थार गाइस के मेंबर जा रहे टीले टीले स्लोली स्लोली। चलो जी, अभी यहाँ कोई ऑब्स्टेकल ढूंढ के, तो ये स्कॉर्पियो वालों में दिखी भी आत्मा क्यों आ जाती है ये। आते ही जो है हमारा ऑफ रोड शुरू हो चुका है, सबसे पहले जा रहे हैं ऋषभ भाई इस स्लश में, और आई बिलीव कि ये मतलब कुछ भी नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा ही है, अभी निकलेंगे आगे तो देखेंगे, इजी अभी पता चल जाएगा, नथिंग एट ऑल, ये कुछ नहीं, ना ना कुछ नहीं है, ये मजाक है, ये नहीं करना, क्योंकि इस गाड़ी में क्या है डिफ्लॉक भी है ना, तो इसलिए इनको उतने ज़्यादा मोशन की जरूरत नहीं, और थार की क्रॉलिंग अच्छी है, जिप्सी को मोशन चाहिए रहता है हमेशा। आगे चलो, आगे ये कुछ नहीं है, फॉर्च्यूनर भी निकल गई है, फॉर्च्यूनर तो फॉर्च्यूनर ही है, अच्छे से निकलती है, ये तो ऊपर ही चढ़ाना चाह रहे थे। गाइस ये मानिक भाई अभी स्कॉर्पियो लेके जाने वाले हैं, 4x2 स्कॉर्पियो, आज के ऑफ रोड का ना बड़ा सिंपल सा पर्पज है, जैसे हमारे पास 7 गाड़ियां हैं, 7 अलग अलग तरह की गाड़ियां, ठीक है, जिप्सी है, पुराने वाली थार है, फॉर्च्यूनर है, नई वाली थार है, और जिम्नी भी है, और स्कॉर्पियो 4x2 भी है, उससे भी अगर पड़ेगा कुछ तो कर लेंगे। तो हम क्या है कोई भी एक बेसिक ऑब्स्टेकल देखेंगे, और सभी गाड़ियों से क्या है बारी बारी उस ऑब्स्टेकल को अटेम्प्ट करेंगे, उससे क्या है कि हमें भी मजा आएगा, गाड़ियों की कैपेबिलिटी भी पता चलेगी, और आप लोगों को भी मजा आएगा। साइको क्या पता करना चाह रहा है, अभी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ला रहे हैं यहाँ से जिप्सी, ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से जैसे वहाँ किसी का घर होगा, अब तो वो ऊपर ही रह गया बेचारा, ये बंदा ऊपर कैसे जाता होगा, नहीं अब तो रह गया वो ऊपर ही, अब वो नीचे नहीं आ सकता कभी, कुछ नहीं है कुछ। तो सबसे पहले जो है वो आएगी हमारी जिम्नी, बिकॉज हमारे पास विंच वाली गाड़ी भी है, सब कुछ तो है, सच कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बाकी सब, मेरी बात सुनो, नहीं नहीं पुश आप सुन नहीं रहे थे, बेसिकली करना क्या था, जैसे टायर आपने काटा ऐसे काटो ना, अगर आप ऐसे काटो आगे जाके उसको ऐसे काटोगे एक बारी ग्रिप मिल जाएगी, हाँ
गाड़ी ऐसे ले जाके इधर से निकालनी बात, एक बार ये ट्राई मारो नहीं तो रुक जाओ। चलो कोई बात, बस रुक जाओ रुक जाओ। अभी क्या है कि विंच करेंगे, बंद हुई गाड़ी, मजा आया, गाड़ी खुद बंद हुई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गाड़ी बिल्कुल हमने सीधे में लगा दी है, अभी करेंगे इसको विंच। जान दो जान दो जान दो जान दो, आगे तो क्या बांध लेते हैं, तो क्या प्लान है इस बार? क्या है कि मैं ना पूरी मेरे पास लिबर्टी है, मैं अपनी टेक्निक्स चेक कर सकता हूँ। अब जैसे अगर हम ना इस गाड़ी को वहाँ लगाएंगे तो जिप्सी को हमें टेढ़ा पुल करना है, तो उसमें क्या है स्ट्रेस ज़्यादा आएगा विंच पे भी और गाड़ी पे भी। तो यहाँ से क्या है कि बिल्कुल जो है सीधी सीधी लगी हुई है, तो मैं भी इसमें जो स्ट्रेस है वो कम आएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। बाकी जब तक हम टेस्ट नहीं करें हमें पता नहीं चल सकता। तो लेट्स सी, मैं अंदर बैठ के पुल करूँगा इसको। क्या है गाड़ी जो है बंद भी हो गई है, गाड़ी काफी हीट अप थी ना तो उसमें बंद हुई है। जिप्सी ने तो काफी स्ट्रगल किया, नहीं जा पाई। अब हम लेके जाएंगे थार 700 को, बिकॉज टायर्स काफी बड़े हैं, प्लस उसके बाद डिफ लॉक भी है इस गाड़ी में। तो लेट्स सी जाती है नहीं जाती, बाकी टेस्ट करके उसके बाद। जिमनी तो किसी भी एंगल में पॉसिबल नहीं है, एक बारी थार ट्राई कर सकते हैं करने को, बट पहले 700 देखेंगे। चलिए जी अभी जा रहे हैं ऋषभ भाई, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर ये गाड़ी नहीं चढ़ पाई फिर हम ट्राई नहीं मारेंगे, बिकॉज डैमेज का रिस्क रहेगा। काफी डीप हो चुका है, आप देख रहे हो ना, मतलब फस नहीं दी है। ये है पावर का मसला। अभी पूछते हैं, डिफ लगाया था इन्होंने, मुझे नहीं लगता डिफलॉक लगाया था, बिना डिफलॉक की गई है। डिफलॉक थे लाया ना, ठीक है ना, चलो जाना वापिस, ठीक है डिफलॉक के बिना ही चल रही है। तो ये परफॉर्मेंस का जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था ना, वो ये चीज़ है, देख सकते हो गाड़ी मॉड करने से, टायर्स से, पावर से क्या क्या फर्क पड़ता है। पीछे से टायर देखो कितना ऊपर दिख रहा है। चलिए एक बारी मैं ट्राई करता हूँ, वैसे चांसेस तो काफ़ी कम है बिकॉज मेरी उतनी क्लियरेंस नहीं है, बट आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। और पीछे से बम्पर जो है वो लग जाएगा, आई बिलीव सो, और नंबर प्लेट भी रह सकती है पीछे, बट ट्राई तो मारनी पड़ेगी। और नहीं नहीं इसी को तो ले आ जाओ, बम्पर खुल जाएगा। नीरज भाई इधर गाड़ी लेकर आ गए, मैं मानिक भाई को देख रहा हूँ। अच्छा ये फन चल रहा है, सांस ही रुकी, सांस ही रुकी। तो ये स्कॉर्पियो नहीं आ सकती बिकॉज बम्पर भी लग जाएगा पीछे से भी, मतलब आने को देखो कोई भी गाड़ी आएगी डैमेज कितना हो रहा है वो माइंड रखता है। अभी मारते हैं थार से एक ट्राई। दिक्कत ये है जैसे अगर मैं यहाँ से गया और गाड़ी फंस गई तो हम आगे विंच आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ऊपर से नीचे आऊंगा ताकि गाड़ी को विंच कर सकें और लेकर आएंगे थार को। तो चलिए लेट्स गो। पीछे
ओपन डिफ का मसला है सारा। ये क्या बात है, क्या क्या नीरज भाई, क्या क्या कह रहा, करना ही करना स्कॉर्पियो से मानी नहीं रहा जबरदस्ती उसके बम्पर नीचे है, ऐसे मसला हो जाएगा। नहीं नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, क्यों जिद कर रहा है मानिक भाई, क्या दिक्कत है, चल 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 ले 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 ले, सियाणा मान नहीं करनी चाहिए, नहीं है नहीं रोन भाई, एंड का मैगी कर, मैगी बाबा दूसरी एंड का। फिलहाल फॉर्च्यूनर से ट्राई कर रहे हैं बट बड़े प्यार से करेंगे बिकॉज बम्पर लगने का इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, तो रुको रुको अगली बार कुछ ना करो, पीछे करो जो करना, चलो। तो गाड़ी बेसिकली ये भी ओपन डिफ है ना, इसमें सेंटर डिफ आता है बट वो शायद उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। सारी चीजें मेरे को एक तरफ लगती हैं, लेकिन लड़के जब किचड़ में घुसने में परहेज करते हैं ना फिर बड़ा बुरा लगता है। मैं एक बार किचड़ में डूबी गया, बुरा जो सिर्फ गला आ रही है। स्टेयरिंग घुमाने की बजाय आगे पत्थर लगा दिए हैं, इससे भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है गाड़ी। आराम से, बिल्कुल आराम से।